छात्रों एक बार फिर से आप सभी का हमारे नए YouTube सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले कई दिनों से साइबर सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड कई सारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कितने प्रकार के साइबर से रिलेटेड खतरे होते हैं और उन खतरों से बचने के क्या क्या उपाय हैं, इन सब पर हमने चर्चा की है। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि ईमेल धोखाधड़ी क्या है। ईमेल आपको पता है कि ये हमारा व्यक्तिगत अकाउंट होता है, जैसे कि एक ईमेल, जैसे हम पहले जमाने में जब ईमेल नहीं हुआ करता था तो मेल यानी जो पोस्ट के द्वारा हमारे आपके घर के पत्र या सूचनाएं आती जाती थी, तब हमारा जहां घर हुआ करते थे या जहां हमारा जो निवास हुआ करता था वहां पे सूचनाएं आती जाती थी। लेकिन जब हम आभासी दुनिया वर्चुअल दुनिया में आ गए हैं तो हमारे घर के पते के अलावा एक ईमेल हमारा पता है जहाँ तुरंत एडवांस आपको ईमेल भेजा गया, आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, किसी को सूचना भेज सकते हैं। मैसेज के अलावा आप वीडियो, मीडिया, बहुत सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में जब हम बहुत सारी अपनी सूचनाएं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जब हम शेयर करते हैं तो जो साइबर फ्रॉड करते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो हैकर्स हैं, उन सब के लिए ईमेल धोखाधड़ी एक बहुत बड़ा आसान रास्ता है जिसके माध्यम से वो ईमेल्स को हैक कर लेते हैं या स्पैमिंग के तहत जालसाजी करते हैं, आपकी बहुत सारी सूचनाएं चुरा करके वह लाभ उठाते हैं और इस तरह के कार्य करते रहते हैं। ईमेल धोखाधड़ी क्या है, कितने प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी कैसे कैसे की जा सकती है और इनसे बचने का क्या उपाय है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अधिकतर लोगों के पास ईमेल अकाउंट होते हैं, हमें ईमेल अकाउंट जरूरत अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, जैसा कि हमने बताया, केवल ईमेल भेजने के लिए ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट खोलने आदि के लिए भी जरूरत पड़ती है। आपको अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है तो आपको ईमेल देना पड़ेगा अपना, आप या आपके पास जो है, आपको ट्विटर पे अकाउंट बनाना है तो भी आपको अपना ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, आपको इंस्टा पे, आपको कहीं भी अपनी एक आईडी बनानी है, अकाउंट बनाना है तो ईमेल की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको विभिन्न सूचनाएं, आपने मान लीजिए कि नीट का पेपर भरा, अब तब भी आपको अपना ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, कंफर्मेशन आएगा, आपका एडमिट कार्ड ईमेल के थ्रू आएगा, आपने किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, सारी सूचनाएं ईमेल के थ्रू आती हैं। तो ऐसे में आपका ईमेल बहुत सेंसिटिव डाटा, आपके प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है वहां पर आप आदान प्रदान करते हैं, तो ईमेल धोखाधड़ी बहुत ही आपके लिए, जो साइबर अपराधी हैं ईमेल धोखाधड़ी के माध्यम से आपकी सूचनाएं चुरा सकते हैं। आपके ईमेल अकाउंट की उपयोगिता बढ़ेगी जैसे जैसे आप बढ़ेंगे। ईमेल अकाउंट का उपयोग बैंक मोबाइल सेवा, विभिन्न प्रकार के जोड़ने के लिए, महाविद्यालय आज से पत्र व्यवहार करने के लिए आप करते हैं, तो ऐसे में सुरक्षित अपना ईमेल रखना बहुत ही जरूरी है। आपने जब ईमेल खोलते होंगे तो आपको अपने ईमेल सेक्शन में स्पैम ईमेल का बॉक्स मिलता होगा, लगभग सभी ईमेल प्रदाता स्पैम बॉक्स की सुविधा प्रदान करते हैं। ये इसलिए कि जैसे जैसे ईमेल में स्पैमिंग बढ़ गई तो जितनी भी ईमेल प्रदाता कंपनी है, गूगल का हो, चैरिटीज का हो, पहले हॉटमेल चलता था, तो ये सब जो ईमेल प्रदाता कंपनियां हैं वो क्या है, आप देखेंगे कि एक ईमेल का में स्पैम ई बॉक्स बनाते हैं ताकि आपके जो असुविधाजनक या जो फर्जी बहुत सारे ईमेल आते हैं, आप अपना जो स्पैम बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि नावश्यक मेल वहां पर अंतरित है, यानी वहां पर पड़े हुए हैं। तो जरूरी यह रहता है कि आप उनको खोले बगैर उनको आप डिलीट कर दिया करिए, क्योंकि स्पैमिंग के माध्यम से ही आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में वो मालवेयर या ट्रोजन या फिशिंग के माध्यम से आपकी सूचनाएं चुराने का प्रयास करेंगे, इसीलिए ईमेल स्पैम बॉक्स की सुविधा प्रदान किया जाता है। ईमेल धोखाधड़ी एक आम बात है, व्यक्तिगत लाभ अथवा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने हेतु अन्य ईमेल अकाउंट को खतरे में डालने के लिए साइबर अपराधियों द्वारा इसे न्यूनतम व्यय पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि ईमेल धोखाधड़ी में बहुत ज्यादा साइबर अपराधियों का व्यय या उनको खर्चा भी नहीं आता, तो यह बहुत आसानी से ये उपाय अपनाते हैं। तो ये जरूरी ऐसे में हो जाता है कि हम अपने ईमेल की जो सूचना है, अपने ईमेल को सुरक्षित रखें। अब यह कैसे काम करता है इस पर हम देख लेते हैं।
विश्व में कहीं भी बैठा हुआ साइबर अपराधी एक सही लगने वाली जाली अकाउंट से आपको ईमेल भेज सकता है। आपको लगे कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजों पे हमें विश्वास होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सी SBI बैंक का अकाउंट यूज कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो SBI से ईमेल आपके पास आता रहता होगा, OTP आता रहता होगा, तो आप जो है लगेगा कि ये तो SBI का ही वही लोगो लगा है या अपने पंजाब नेशनल बैंक का या किसी बैंक का है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम किसी फ्लिपकार्ट का है। अब यहाँ पे देखिए कैसे जो है सर्विस प्रदाता वर्तनी एक स्पेलिंग को चेंज करेगा। हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, हम यूज टू हो जाते हैं और फिर उस ईमेल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको रिप्लाई कर देते हैं। इसे देखिए customersupport@gamingportal.com। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो गेमिंग की स्पेलिंग है, वर्तनी है, वह गलत है, MMM। इस प्रकार की ईमेल में ऐसे लिंक होते हैं जो आपको किसी दूसरे पेज पर भेज देंगे जहां आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड अनुपालन या अन्य किसी जाली कारणों हेतु जो आपको सही प्रतीत होंगे पासवर्ड अन्य विवरण भरने के लिए कहा जाएगा और इस प्रकार अंत में आप अपने ब्यौरा साइबर अपराधियों को दे देंगे। तो ऐसे ही पोर्टल खुलते हैं और हम उन पे क्लिक कर देते हैं और वहां पे जाते ही या तो वहां पे कोई मालवेयर होगा जो आपके सिस्टम में खुल जाएगा, कोई वायरस होगा, या वहां पे सिस्टम अपग्रेड करने के लिए कहेगा और आप कर देंगे और आप उनके झांसे में आकर के यानी आप साइबर अपराधियों को अपनी आपने सूचना दे दी, आपने परमिशन भी दे दिया अगर अपने मोबाइल में, तो वह जो उनका सॉफ्टवेयर है या उनका जो वायरस है वह आपके मोबाइल की आपके सिस्टम की सारी सूचनाएं वो रीड कर लेगा, यानी सारी सूचनाएं उनके पास चली गई। एक और आम तरीका है मालवेयर। अब देखिए मालवेयर क्या होते हैं, खतम एक प्रोग्राम होते हैं, वायरस ट्रोजन इन सबको मिला के पूरा इनका सिस्टम मालवेयर कहा जाता है, जो आपके कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है, यानी कि आपके सिस्टम में वो आएगा, मतलब मालवेयर जब आपके सिस्टम में प्रवेश करके आपकी जो सेंसिटिव डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको रीड कर सकता है, आपके सिस्टम को अपने तरीके से यूज कर मतलब वो रीड करेगा और आपके सिस्टम जो है को रन कर अपने हिसाब से रन करने की वो परमिशन ले लेगा। तो इस प्रकार से जो मालवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर को, आपके जो भी सिस्टम है मोबाइल है उसको प्रभावित करता है। दस्तावेज वर्ड या एक्सेल फाइल संलग्न करके आपको ईमेल भेज देना, इस ईमेल अथवा दस्तावेज का शीर्षक आपके लिए बहुत लुभावना होगा और आप जो है जल्दी से उसे खोल लेंगे, जैसे कि प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम जीतने के संबंध में टिप्स, या किसी प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम के लिए निःशुल्क सिक्के प्राप्त करने के बारे में टिप्स, अथवा कोई दूसरा लुभावना आपको शीर्षक देगा, आप तुरंत उनको क्लिक करेंगे और उनके झांसे में आ जाएंगे। ये भी एक प्रकार है। एक अन्य ईमेल धोखाधड़ी क्या है, साइबर आपको यह सूचना देने वाला ईमेल भेजता है कि आपने एक लॉटरी अथवा एक अनोखा उपहार जीता है। लॉटरी वाला आप किशोर हैं, आपको बड़े जल्दी पैसे कमाने की आज के जमाने में और रहती है, सबको इच्छा रहती है कि हमारी लॉटरी लग गई है और जल्दी हमें पैसा मिल जाएगा, और लॉटरी भरने के कारण क्या करेगा, जीता है, विदेश में रह रहे आपको कोई दूर का रिश्तेदार आपके लिए धन छोड़कर गया है, ये भेज देंगे। हम लोगों के ईमेल पे भी आता है, कई बार फोन भी आते हैं, आपको मेल फीमेल चैट भी करेगा ईमेल पे कि हमारे सबको जो है, इसे कई बार हम लोगों के पास ईमेल आया कि सीरिया में है हमारी पूरी फैमिली जो है बर्बाद हो गई है, हमारे पास $2,000 या $1,00,000 है, तो आप अपना अकाउंट से शेयर कर दीजिए, आपको पैसा भेजना चाहेंगे क्योंकि हम अनाथ हैं, तो आपसे सारे आपके अकाउंट की डिटेल ले लेंगे। आपने जाना ही नहीं कि आप धोखाधड़ी में हैं। जैसे जो लोग जागरूक हैं या जिन ये जो साइबर सिक्योरिटी टिप्स हैं हम आपको बता रहे हैं, आपने जान के अगर मान लीजिए ऐसे से बच जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे यहाँ दुनिया में जो अभी भी साइबर की दुनिया में जितने बड़े खेल होते हैं, जितने अपराध होते हैं, इनसे परिचित नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपनी सारे आप डिटेल दे देंगे, आपको लगेगा बस $2,000 या $2,00,000 हमको मिल रहा है, फिर तो हम राजा हो गए, और राजा होने की वजह क्या हुई, आप फकीर पहले ही थे और आपके अकाउंट में जो 2-4-10,000 रुपए थे वो भी गायब हो गए, तो फिर आप रह गए फकीर के फकीर ही। तो ऑनलाइन इस प्रकार के जैसे कोई आपकी लॉटरी लग गई है, अनोखा उपहार मिल गया है, इन सब जब भी इस तरह के कोई भी आपके पास मैसेज आए, ईमेल आए या कॉल आए, लिंक आए, उन सबको छेड़ने से बचिए, उनको रिस्पॉन्ड मत करिए।
और इसका जवाब देते हैं साइबर अपराधी जीती गई राशि भेजने के लिए आपसे आपका व्यक्तिगत ब्यौरा, बैंक ब्यौरा, जैसा कि हमने बताया ये सब मांगते हैं और फिर धीरे धीरे आप उनके शिकार हो जाते हैं। साइबर अपराधी द्वारा किए जाने वाले एक अन्य आम अपराध है ईमेल अकाउंट को हैक करना। वो क्या करते हैं, ईमेल अकाउंट हैक करेंगे। कैसे हैक करते हैं, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मालवेयर अथवा अन्य जालबाजियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मालवेयर में कई प्रकार के जो वायरस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब भेजेंगे। आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाने के बाद साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और वे आपके सभी कॉन्टैक्ट और ऑफेंसिव ईमेल भी भेज सकते हैं। जैसे जैसे भी आपका वो कॉन्टैक्ट रीड करेगा तो आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम में किसके किसके कॉन्टैक्ट हैं यह वो प्राप्त कर लेगा और धीरे धीरे वो क्या करेगा, उन सबको ऑफेंसिव या गाली गलौज वाले मैसेज, इस तरह के मैसेज भेजना शुरू कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक अन्य है आपकी ईमेल हैक करेगा। उसके बाद आपकी ईमेल हैक करना साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली एक और सामान्य चालबाजी है, जिसके जरिए वे आपके नाम से आपके परिवार और आपकी ईमेल एड्रेस बुक में दर्ज आपके मित्रों के वित्तीय सहायता मांग सकते हैं। आप देखते होंगे कई बार वो सब आपके ईमेल आईडी पकड़ पा लेंगे या ईमेल आईडी के थ्रू आपने किस प्रोफाइल के थ्रू लॉगिन किया है और उनकी सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। तो आपके ही ईमेल आईडी से वो क्या करेंगे, सबको सूचना भेजेंगे कि उनको बहुत जरूरत है, पैसा मांगेंगे या किसी प्रकार का ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट करते हैं। वो आपसे 500 रुपया ही मांग लेगा, आपके आपको सबको लेगा 500, लेकिन आपके 10 जाने वालों से उसने 500 रुपए ही मांगे और वो क्या हो गया, वो जो है 5000 का मालिक हो गया। सबने सोचा होगा यार 500 रुपया तो कोई फ्रॉड करेगा नहीं, तो ऐसे भी छोटे छोटे अमाउंट भी मांगते हैं। तो इस तरह से भी वो आपका अकाउंट हैक करके आपको या आपके जानने वालों को क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है, उनको परेशान कर सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद जो है चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अगर एहतियात बरतेंगे और ईमेल धोखाधड़ी से बचने के जो उपाय हैं उनको अगर आप अपनाएंगे तो आप लोग इससे बच सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या है, पहला महत्वपूर्ण कदम है कि अपनी ईमेल आईडी की रक्षा करना है ताकि यह हैक नहीं हो सके। इसके लिए आपको एक जटिल पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड हमेशा डायनेमिक बनाएं, समय समय पर चेंज करते रहें। नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे अपना नाम 123 रख देते हैं या 1 2 3 4 5 6 अगर डिजिट में होता है, कुछ सिंपल नाम रख लेते हैं और वही करते यूज करते रहते हैं। कई बार आपके दोस्त को, आपके घर वालों को, सबको पता होता है इसके ईमेल का पासवर्ड ये है, इसकी प्रोफाइल का पासवर्ड ये है, इसके बैंक अकाउंट का पासवर्ड वो है। हमें की याद करने की बजाय हम भूल जाते हैं तो सबका पासवर्ड एक ही जैसा रख देते हैं। अपने बैंक ईमेल का भी पासवर्ड रखा हुआ है। तो ये सब ट्रिक्स अपनाते रहते हैं और आपकी ईमेल का पासवर्ड मिला, वो आपकी प्रोफाइल इसी पासवर्ड से चेक करेगा, फिर उसे लग जाएगा कि आपके बहुत सारे जो अकाउंट हैं सबकी जगह यही पासवर्ड आपने लगाया है और इस तरह से भी धोखाधड़ी हो सकती है। तो आप हमेशा जटिल पासवर्ड का यूज करिए, समय समय पर चेंज करते रहिए। आपका नाम अथवा आपकी जन्म तारीख का अनुमान लगाना बहुत आसान होता है। मुश्किल पासवर्ड का उपयोग करें जिसके लिए आप उसमें अक्षरों और अंकों का इस्तेमाल करें। बीच में अक्षर मतलब आप न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक रखिए। लॉगिन के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करें। अधिकतर ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा इस विशेषता की व्यवस्था की जाती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सहायता से पासवर्ड के साथ साथ आपके मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी के जरिए आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। जैसे जीमेल का है, जीमेल में टू फैक्टर है। अगर मैं अपना ही ईमेल दूसरे किसी साइट पर या गूगल पर, मोबाइल में तो जैसे ऑन ही है, वो जब भी हम वहाँ पर लॉगिन करते हैं या किसी दूसरे मोबाइल पर, तो पासवर्ड जब भी डालते हैं उसके बाद वो हमसे परमिशन मांगता है कि आपका जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन करने का प्रयास किया गया है, और एक हमारे पास ओटीपी आता है। तो जब तक हम वो ओटीपी शेयर नहीं करते हैं, वहाँ पे फिल नहीं करते हैं, तब तक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो हमेशा टू फैक्टर यानी कि दो, आपको दो तरीके से प्रयास करना होगा। एक तो आपको पासवर्ड डालना होगा, दूसरी चीज आपके पास पर्सनल जो आपने नंबर दिया होगा
या आपने जो ईमेल होगा वहां पे ओटीपी आएगा, दोनों शेयर करना होगा। इसलिए ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भेजना बहुत आसान नहीं होता है, तो ये प्रक्रिया आप सबको अपनानी चाहिए। अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड कभी भी किसी को ना बताएं। अपरिचित व्यक्ति से प्राप्त लिंक अथवा अटैचमेंट को क्लिक ना करें। पासवर्ड बताने में आपका ईमेल अकाउंट खतरे में पड़ सकता है, तो जैसा हमने पहले बता दिया, यदि आप अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अपने मित्र का कंप्यूटर अथवा किसी साइबर कैफे में कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि रिमेंबर पासवर्ड पॉपअप में यस क्लिक नहीं करें। जब भी कई बार हम लोग आप कोई इस तरह का वेबसाइट यूज करते हैं या ब्राउजर यूज करते हैं, तो वहां पे जैसे भी आप कोई नया पासवर्ड डालते हैं तो वो कहता है रिमेंबर माय पासवर्ड, तो ऐसे हमेशा इस पे आप आदत डाल लीजिए, नो पे क्लिक किया करिए, यस पर नहीं, क्योंकि आपने लॉगिन करके चले आए लेकिन अगली बार वो क्या होगा, अपने वो आपका पासवर्ड उसके पास होगा और दूसरा कोई उससे लॉगिन कर सकता है। ये संदेश आमतौर पर उस समय आते हैं जब आप किसी नए कंप्यूटर को लॉगिन करते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कंप्यूटर आपका पासवर्ड याद ना रख पाए। इसका मतलब यह है कि उस कंप्यूटर पर अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उपयोग करने के बाद अपने ईमेल अकाउंट को साइन ऑफ करना हमेशा याद रखें। जब भी आप साइन इन करते हैं, जब भी कोई कंप्यूटर छोड़े, किसी दूसरे भी आप सिस्टम पर बैठे, चाहे कैफे में जाएं, किसी दूसरे दोस्त के, तो साइन ऑफ करना जरूर, साइन आउट तो करके जाइए। और जब भी आप साइबर कैफे इन जगहों पर अगर अपने कंप्यूटर से अपने लॉगिन कर रहे हैं, तो उनको अपना पासवर्ड हमेशा बदल दें तुरंत। मोबाइल फोन पर ईमेल एक्सेस कर रहे हैं तो अपने फोन के इस्तेमाल के लिए मुश्किल पासवर्ड रखें। देखिए मोबाइल फोन में एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो बार बार आप अक्सर करते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं कि आप अपने जो पासवर्ड है मोबाइल का वो भी आप जटिल रखें, ताकि आपके मोबाइल को भी कोई खोल ना पाए, क्योंकि मोबाइल में आजकल बहुत सारे सेंसिटिव डाटा होते हैं, आप सारे बैंकिंग ऐप्स बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चलाते हैं, तो उसका पासवर्ड भी आप कठिन ही रखिए। अपना ईमेल है कंप्रोमाइज हो जाने पर अपने कॉन्टैक्ट्स को इस बारे में ईमेल अथवा संदेश के माध्यम से जानकारी दे दें। जब कभी भी आपको लगता है कि आपका ईमेल हैक हुआ है, आपकी फर्जी प्रोफाइल बनी है या आपके साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई है, तो तुरंत आप उसकी जानकारी संदेश के माध्यम से, कई बार आप देखते हैं कि फेसबुक पे या ट्विटर पे लोग करते हैं कि हमारी फेसबुक आईडी हैक हो गई या हमारी ईमेल आईडी हैक हो गई है, तो किसी भी अन्य प्रकार की वहां से सूचना प्रेषित हो रही है, मैसेज जा रहा है, तो उसको रिस्पॉन्ड ना करें। ये सबसे बेहतर तरीका है ताकि आपके साथ जो हुआ है उसका लाभ उठा करके किसी दूसरे आपके जानने वाले को कोई धोखाधड़ी ना कर पाए, उनको परेशान ना कर पाए, तो इसलिए उनको सावधान करें। हेल्प पेज के जरिए अपने ईमेल सेवा प्रदाता से तत्काल संपर्क करें और उनसे कहें कि वे आपके ईमेल को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दें, अपने पासवर्ड को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करें और अपने पासवर्ड को तत्काल बदल लें। आप जब भी जाएंगे कस्टमर केयर सपोर्ट, जो भी आपको ईमेल प्रदाता कंपनी है या जहां भी आपने अपना कोई अकाउंट बनाया हुआ है, अगर वो हैक होता है तो वहां पे हेल्प सेंटर या कस्टमर केयर सपोर्ट हेल्प पेज होता है, तुरंत उनसे संपर्क करके ब्लॉक करवा के अपना पासवर्ड चेंज करके नया पासवर्ड बदलें और हमेशा फिर उनको समय समय पर चेंज करते रहें। अज्ञात स्रोतों से वांछित सॉफ्टवेयर और ऐप इंस्टॉल ना करें। जब कभी भी किसी भी, हम कई बार बता चुके हैं, अज्ञात स्रोत से कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल ना करें। आपको अगर लिंक आता है, इंस्टॉल करने की बात आती है, तो आप उस लिंक से नहीं बल्कि आप प्ले स्टोर में चले जाएं, आप देख लें या उसके बारे में पहले पढ़ लीजिए ये ऐप क्या है। जानकारी होने के बाद ही किसी भी सॉफ्टवेयर को या ऐप्स को इंस्टॉल करें। अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त ईमेल या संदेश पर प्राप्त लिंक या फाइलों पर कभी भी क्लिक ना करें, या आपके कंप्यूटर फोन को मालवेयर से इन्फेक्ट करने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि मालवेयर ये बहुत आसान तरीका है। कई बार आप देखते हैं कि आजकल के जो एक देश हैं एक दूसरे देश के सिस्टम्स को या मालवेयर का उपयोग करते हैं। अब जो आज के दुनिया में इतनी तकनीकी रूप से आगे चली गई है, तो अब वो तलवार और भाले वाला युद्ध नहीं होता है, तो बंदूक वाले युद्ध भी नहीं होते हैं, अब तो चिप वार होते हैं। या साइबर वार होता है, समझ गए ना, यानी कि सारे की सारा जो खेला हो रहा है ना वो साइबर दुनिया में हो रहा है, हैं? हमको आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन
एक देश दूसरे देश के पूरे जो साइबर सिस्टम को ही बेहाल कर देगा, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारी चीजें साइबर वर्ल्ड पे ही चल रही हैं, साइबर स्पेस पर ही चल रही हैं। आप देखे होंगे बीच में ब्रिटेन का जो साइबर सिस्टम वो हेल्थ सिस्टम है पूरा साइबर पे है, वहां पे मालवेयर और इन सबके द्वारा प्रयोग करके पूरा जो डाटा था उसको चुराया गया था। कई बार आप देखेंगे सेना की जो गुप्त सूचनाएं होती हैं मालवेयर के माध्यम से या अन्य किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो उसकी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस तरह की आजकल साइबर वारफेयर भी चलता है, तो इन सबसे बचने का आपको जो गुण है, जो स्किल है, टिप्स है, उसे जानना चाहिए। यदि आपको कोई लॉटरी जीतने अथवा अन्य कई प्रलोभन के बारे में ईमेल प्राप्त होता है तो कृपया उसका उत्तर ना दें, नाम बता बैंक अकाउंट तो बिल्कुल मत दें, क्योंकि फ्री में आपको आज के जमाने में कोई पैसा देने वाला नहीं है, है? तो फ्री के पैसे के चक्कर में आप अपना जो खुद का बचाया हुआ पैसा है वो भी मत इधर उधर गंवाइए। यदि आपको अपने मित्र अथवा रिश्तेदार से वित्तीय सहायता के लिए कोई भी इमरजेंसी ईमेल प्राप्त होता है तो बेहतर यह होगा कि तुरंत फोन उठाइए, उनको फोन कॉल कर लीजिए, उनके घर वालों को फोन कॉल कर लीजिए, अन्य जानकार व्यक्ति से संपर्क करके ईमेल की वास्तविकता का पता लगा लीजिए। तुरंत ईमेल को साइबर दुनिया में रिस्पॉन्ड मत करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसकी आईडी है तो वही रन कर रहा हो, कोई दूसरा भी रन कर सकता है। तो ये सब चीजें आप जान लीजिए। चौकन्ना रहे और समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें, ये हम कई बार बता चुके हैं, और ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन की बहुत सारी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वह साइबर स्पेस पर ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सूचनाएं दर्ज होती जा रही हैं। तो जब तक अगर हम चौकन्ने नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो हमारे साथ कभी भी साइबर स्पेस में ईमेल फ्रॉड के जरिए, जॉब फ्रॉड के जरिए, मालवेयर के जरिए आपके जीवन में या आपके सिस्टम में जो आपकी सूचनाएं हैं वह चुराने के लिए या धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये था ईमेल फ्रॉड से बचने के उपाय। क्या आप यह जानते हैं कि संचार उपकरणों अथवा अन्य उपकरणों का उपयोग करके लोगों को धोखा देना एक दंडनीय अपराध है? ये आप सभी को पता होगा, ये सब दंडनीय अपराध है और जो भारत में भी इस बारे में जो है कई बार कानून बने, उन पर संशोधन भी हुआ है और एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे साइबर स्पेस पर साइबर खतरों की तादाद बढ़ती जा रही है, कई प्रकार से साइबर हमलों की जो तादाद बढ़ जा रही है, उसी को देखते हुए धीरे धीरे जो हमारे नियम कानून हैं उनमें भी संशोधन होता रहता है। इस पर एक हम अलग से वीडियो ले आएंगे आने वाले दिनों में। हम साइबर जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।